रश्मि क्या कर रही हो, देर हो रही है। क्या बात है रश्मि, तुम रो रही थी? नहीं तो शायद आँख में कुछ चला गया होगा। अच्छा चलो वरना देर हो जाएगी। लेकिन हम जा कर रहे हैं? वो एक्चुअली एक महाराज है, उन्होंने मिलने बुलाया है। मैं अकेले बोर हो जाऊंगी, तुम रहोगी तो कंपनी रहेगी। ओके मैं चलती हूँ, मैं तो रेडी हूँ, चलो। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वाह कितनी अच्छी माला है, लुक्स रियली कूल, आई लाइक इट। चलो चलिए। ये लो देवी, इसे रश्मि के कमरे के बाहर लटका देना। लेकिन महाराज इसे रश्मि के गले से क्यों निकाला? क्योंकि इस माला के होते हुए आत्मा रश्मि के पास नहीं आ सकती और हमें आत्मा को बुलाना है। विधि आरंभ करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ॐ क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। दीदी दीदी ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी रश्मि डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कौन सी पूजा है महाराज? देवी इसे सत्यवीरा विधि कहते हैं। इस विधि में रश्मि के शरीर को छूकर नीचे जमा हो रहे दूध में रश्मि का आभा मंडल सुरक्षित रहेगा, जिससे आत्मा को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। और एक बार जब आत्मा चली जाएगी तो वही आभा मंडल रश्मि के शरीर में दोबारा लौट आएगा और फिर पात्र में जमा हुआ दूध लुप्त हो जाएगा। अब क्या होगा महाराज? अब हम अपनी शक्ति से उस आत्मा को बाहर निकालेंगे और उससे ये पूछेंगे कि वो इस बच्ची को व्यर्थ में ही क्यों परेशान कर रही है। वो आपके सवालों का जवाब दे देगी। उसे जवाब देना होगा। हम अपनी शक्ति से उसे डरा धमका कर सत्य बोलने पर बाध्य कर देंगे। उसे सब कुछ सच सच बताना होगा, सच सच बताना होगा। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। 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 ओम
चामुंडा विचे नमः। ओम एम रेम क्लीम चामुंडा विचे। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हारी बहन को उस आत्मा के चंगुल से मुक्त करा देंगे, किंतु एक बात का ध्यान रखना, विधि के दौरान तुम्हें अपनी भावनाओं को अपने वश में रखना होगा, वरना अनर्थ भी हो सकता है। ओम एम रेम क्लीम चामुंडा विचे नमः। ओम एम रेम क्लीम चामुंडा विचे नमः। ओम एम रेम क्लीम चामुंडा विचे नमः। बोल कौन है तू, बाहर निकल, सामने आ। ओम एम रेम क्लीम चामुंडा विचे नमः। अब तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओ, कभी नहीं। तू इस तरह नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ। ओम एम रेम क्लीम चामुंडा विचे नमः। 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 अनर्थ, और अनर्थ, ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या होगा महाराज, क्या वो आत्मा फिर से रश्मि को परेशान करेगी? कर सकती है, दोबारा परेशान कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो रश्मि को कल फिर यहाँ लाना होगा। कल हम दोबारा प्रयत्न करेंगे। तो एक छोटी सी भूल के कारण हम इतना बड़ा अवसर गवा बैठे। कैसी अजीब सी बदबू आ रही मालती, तुम्हें नहीं आ रही? आ तो रही है, पर कहाँ से आ रही होगी? क्यों, ये वही जगह है ना जहाँ किसने गड्ढा खोद दिया था। लेकिन उफ, लगता है कहीं चूहा मरा पड़ा है। उफ, ओ। मालती, घर की साफ सफाई के साथ में गार्डन की सफाई भी करवा लिया करो। एक्चुअली माली छुट्टी पर है, वरना तो हर रोज। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अंदर जा रहा हूँ। अब क्या है रमा? वो दीदी, ये आपके सगाई के फोटोग्राफ हॉल में पड़े थे, मैंने सोचा आपको दे दूं। क्लियर नहीं है, ये कैसे हो गया? अगर किसी ने ये देख लिया तो। लीजिए दीदी चाय। मालती, रेवा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, कुछ काम था? नहीं मालती, मुझे काम तो नहीं था, लेकिन आजकल रेवा की मुझे बड़ी फिक्र होती है। मैं समझती हूँ दीदी। तू नहीं समझती मालती, रेवा आज भी रितु से मिलती है, पता है उसके साथ बाहर आती जाती है। अरे
मैं ये पूछ रही थी, जब आशु से हमारे संबंध खत्म हो गए, कोई रिश्ता नहीं है, तो रेवा का रितु से मिलने से क्या मतलब है? जाने दीजिए ना दीदी। मालती तू बहुत भोली है, तुझे नहीं पता रितु अच्छी लड़की नहीं है। अरे आजकल वो बाबा के चक्कर में है, वो तंत्र मंत्र जाप ताप न जाने क्या क्या। अरे उसी दिन की बात ले, वो कैसे उस ढोंगी बाबा को घर में लेकर आ गई थी, अगर कुछ हो जाता तो। आप ठीक कह रही हैं दीदी, मैं रेवा से बात करूंगी। देख मालती, तू रेवा को अच्छी तरह समझाना कि वो रितु से दूर रहे। अरे अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि एक ढोंगी बाबा ने एक लड़की को ठीक करने के बहाने पागल कर दिया। अरे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसके घर में अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं। अरे मैंने यहाँ तक सुना है कि आजकल घर वाले ही घर वालों पर जादू टोना करते हैं। क्या? हाँ, समाना बड़ा खराब है। देख मालती, तू अपनी बेटियों को संभाल के रखना, संभाल के, समझी? में बैठे हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे। बहुत परेशान लग रही हो। हाँ वो फिक्र मत करो, मेरा हाल भी बहुत बुरा था, लेकिन महाराज की कृपा से अब सब ठीक है। क्या परेशानी थी आपको? मुझे लोगों ने बहुत समझाया था कि स्मशान के सामने घर मत लो, लेकिन मैंने किसी की सुनी ही नहीं और हम उस घर में जिद से रहने चले गए। फिर क्या, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा पूरा परिवार पागल हो गया। कैसे? मेरे घर वालों को दीवारों से निकलते हाथ दिखने लगे, छत से खून टपकने लगा। ऐसे हालात में आदमी पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? इसका मतलब आपके घर में कोई आत्मा थी? आपको तो बहुत डर लगता होगा ना? नहीं, मुझे डर कैसा, वो आत्मा मुझ में ही तो थी। डरो मत, अब वो नहीं है मुझ में, मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ महाराज की कृपा से। वो बहुत पहुंचे हुए संत है, सबका भला करते हैं। हेलो। हाँ मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। नहीं नहीं, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता, हमें आज ही मिलना होगा। हाँ वहीं पर जहां हम हमेशा मिलते हैं। नहीं, सिर्फ हम दोनों मिलेंगे और किसी को मत लाना साथ में।
अच्छा बेटा ये बताओ कि हमने तुम्हें जो माला दी थी उसका क्या किया तुमने? वो माला मैंने रश्मि के कमरे के बाहर लटका दी। अच्छा, क्योंकि जब तक वो माला रश्मि के कमरे के बाहर लटकी रहेगी तब तक तो वो शैतानी आत्मा रश्मि के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। माला यहां कैसे आई? किसने लटकाई होगी ये माला? जो दीदी ने कहा वो सच तो नहीं हो रहा? मुझे रेवा से बात करनी होगी। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे ये सब दिख रहा है? मैं कैसे ऐसी अनजानी जगह पर पहुंच जाती हूँ? इस घर में जरूर दीदी ने इस घर में कुछ देखा होगा, तभी उन्होंने मुझे टोका। देख मालती, तू रेवा को अच्छी तरह समझाना कि उसे दूर रहे। अरे अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि एक ढोंगी बाबा ने एक लड़की को ठीक करने के बहाने पागल कर दिया। अरे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब उसके घर में अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं। यहाँ तक सुना है कि आजकल घर वाले ही घर वालों पर जादू टोना करते हैं। कोई मुझे खेलने पर मजबूर कर रहा है। देखो रेवा, कल हमने जो विधि की थी उसमें हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। हम अब तक यह नहीं जान पाए हैं कि वो आत्मा किसकी है और क्यों तुम्हारी बहन को परेशान कर रही है। तुम्हारी बहन को उस आत्मा के चंगुल से बचाने के लिए हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अब क्या करना होगा महाराज? चिंतित ना हो बेटा, हम इस विधि को 13 दिनों के पश्चात फिर से करेंगे।
किंतु तब तक तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि उस बुरी आत्मा ने अगर फिर से रश्मि पर कब्जा किया तो यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो बुरी आत्मा हर बुरा काम रश्मि के द्वारा करवाएगी। तुम्हें अपने घर को बचाना होगा बेटा। महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हारा घर और तुम्हारी बहन उस शैतानी आत्मा के कब्जे में है, इसलिए तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ महायज्ञ करवाना होगा। तब तक बस उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करो कि कोई अनहोनी ना हो, इस बालक को अपने पास रखो। ये किस लिए महाराज? क्योंकि वो शैतानी आत्मा अब तुम्हें भी परेशान कर सकती है। तुम्हें पक्का यकीन है एम्बुलेंस लड़की ही चला रही थी? हाँ सब, यकीन क्या, मैं तो भूल ही नहीं सकता सब। कब हुआ ये सब? ये 2 दिन पहले रात का 1 बजे होगा, मुंबई पुणे रोड पर। 2 दिन पहले? और तुम अब आ रहे हो रिपोर्ट लिखवाने? क्या बताऊं सब, वो लड़की ने मुझे ऐसे एम्बुलेंस से बाहर फेंका कि मेरे तो होश उड़ गया, और अब होश आया तो मैं आपके पास भागा चला आया हूँ सब। ठीक है, वो रास्ता याद है तुम्हें? जी सब, मैं तो जहाँ से एक बार निकल जाऊँ कभी भूल ही नहीं सकता जी। ले जाओगे वहाँ तक? जरूर जी, मेरी तो एम्बुलेंस का सवाल है। वेरी गुड, कम ऑन, लेट्स गो, चलो मेरे साथ। हाँ जी। रश्मि, लो बेटा खाना खा लो, तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनी है। अरे ये क्या कर रही हो? पता है जब तुम छोटी थी तो पूरे दीवार पर एप्पल्स और डॉल्स ड्रॉ किया करती थी, अब तुम बड़ी हो गई हो, छोड़ दो ये पागलपन। मैंने कहा छोड़ो, अब जल्दी से खाना खा लो। क्या हुआ? देखो रश्मि, आजकल तुम अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, देखो हड्डियां निकल आई है। अब अगर तुमने ठीक से नहीं खाया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खाना खिला दूंगी। रात मैंने देखा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अचानक पता नहीं कहां से उस लड़की में इतनी ताकत आ गई कि उसने मुझे यूं गले से पकड़ के यूं एम्बुलेंस से बाहर फेंक दिया साहब। मैं कुछ कर ही नहीं पाया साहब। हां साहब, मुझे लगता है उसमें जरूर कोई शैतानी ताकत आ गई होगी, ऐसा हो सकता है साहब? अच्छा, ऐसा लग रहा है तुम्हें? हां साहब, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी बातें सुनकर जैसे तुम किसी लड़की की नहीं किसी चुड़ैल की बात कर रहे हो। चुड़ैल?
साड़ी दे सुना ये लीजिए मामा एंड नाउ जस्ट रिलैक्स और मुझे बताइए क्या हुआ था कुछ नहीं बेटा मैं तो रश्मि के कमरे में उसे खाना खिलाने गई थी मैंने प्यार से उसे गुस्सा किया कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो मैं जबरदस्ती उसे खाना खिला दूंगी तो उसने मुझे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मेरी क्या गलती है नहीं मामा रश्मि आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती इनफैक्ट उसकी कोई गलती नहीं है जिसने ये बदतमीजी की वो रश्मि नहीं है रश्मि नहीं है रश्मि नहीं है तो कौन है रश्मि तेरे घर का साया है जो उससे ये सब हरकतें करा रहा है वो तो खुद भी नहीं जानती कि वो क्या कर रही है मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की लेकिन इसका मतलब है दीदी जो कह रही थी वो सच है रेवा तुम रितु से मिलना जुलना छोड़ दो ये सब उसी का किया धरा है उसकी वजह से मेरी फूल सी बच्ची को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है नहीं मामा आप रितु मासी को गलत समझ रही हैं मैं उसे बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ तुम्हारी बुआ ने भी बताया है मुझे कि रितु ने उस तांत्रिक के साथ मिलकर मेरी बेटी को पागल बना दिया है मामा आप मेरी बात तो सुनिए पता है रश्मि ने आज क्या करने की कोशिश की है वो मेरी जान लेना चाहती थी पता नहीं तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है क्या से क्या बना दिया उसे क्या से क्या बना दिया मेरी बच्ची को क्या से क्या बना दिया अकेला नहीं छोड़ूंगी मामा प्लीज प्लीज आई टेक केयर चलो रश्मि रुक 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 सब यही वो जगह है यही है यही है जगह साहब ये तुम्हें ठीक से याद है हाँ साहब पक्का वो लड़की तेजी से मेरी एम्बुलेंस की तरफ बढ़ी मैंने एम्बुलेंस को रोका और उसने मुझे गले से पकड़ के यूं बाहर फेंका साहब वहां पे और फिर वो एम्बुलेंस में चढ़ के तेजी से इस तरफ चली गई साहब इस तरफ हाँ साहब लेकिन इस तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं
वो जरूर इस रास्ते से गई होगी, तुम्हें ठीक से याद नहीं होगा। हो सकता है सब, मैं तो बेहोश हो गया था ना तब। चलो उस तरफ देखते हैं। आओ। ये नेल बैग तुमने बनाया? ऐसा ही नेल बैग विक्की के कमरे में भी था। बोले रश्मि ये तुमने बनाया? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। याद करो रश्मि। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मत रो रश्मि, मत रो। सुनो, आज के बाद तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वो रो तुमसे कुछ भी करा सकती है। अगर मम्मा वहां से भागती नहीं तो तुम्हारे हाथों वो रो उनकी भी जान ले लेती। नहीं, नहीं। मैं मम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं। चलो दवाई लगा लेते। रश्मि उठो, रश्मि तुम जानती हो निशान किसने बनाया? मैंने बनाया। विक्की ने मरने से पहले निशान देखा, आतिश ने भी देखा था। अगर तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना तो तुझे भी जान से मार दूंगा। रश्मि तेरी बहन, लेकिन मैं नहीं। एक एक करके सबको मार डालूंगी। विक्की भी मर गया, आतिश भी मर गया, एक एक करके सबको मार डालूंगी। मुझे क्या हो गया दीदी, मैं क्या कर रही हूँ? मुझे क्या हो गया दीदी? वो देखिए, वो खड़ी है मेरी एम्बुलेंस। सब वो, हाँ देखा था, मैंने कहा था ना, अब तो आ गया आपको यकीन। बदबू कहां से आ रही है?
जी मैं इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए, आशीष का कुछ पता चला आपको? जी अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक लड़के की लाश बरामद हुई। क्या? 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 क्या?